वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स फॉर योर यूट्यूब चैनल। मैं हूं रोहित और आज हम बात करेंगे कि 2016 में जो परीक्षा हुई थी हिमाचल प्रदेश पटवारी की, उसमें जनरल नॉलेज से किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आपको क्या पढ़ना है और किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और देखिए कि क्या क्या आया था उस टाइम परीक्षा में। और दूसरी वीडियो जो रहेगी वो हमारी आएगी रात को 8 बजे, जिसमें हम बताएंगे कि हिंदी में क्या क्या पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 76, पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों का हिमाचल प्रदेश में कब स्थानांतरित हुआ? व्हेन वर द पंजाब हिल एरियाज ट्रांसफर टू हिमाचल प्रदेश? इट्स राइट आंसर 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966 को पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल में ट्रांसफर कर दिया था। अब ऐसा करते हैं कि मैं क्वेश्चंस को यहाँ पढ़ूंगा और आंसर्स को आपने अपने दिमाग में सेट करना है, और जब ये क्विज खत्म हो जाएगा, 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं आउट ऑफ 25। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की, भूंडा उत्सव किस से संबंधित है? भूंडा एक उत्सव है, एक फेस्टिवल है, ये किस भगवान से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, भगवान परशुराम। भगवान परशुराम से भूंडा उत्सव संबंधित है और यह मेनली कुल्लू और मनाली में मनाया जाता है, बट इन प्रेजेंट यह शिमला में भी मनाया जाने लगा है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की, कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है? विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स हिमाचल प्रदेश फ्रॉम तिब्बत? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, जास्कर। जास्कर पर्वत श्रृंखला हिमाचल को तिब्बत से अलग करती है। तिब्बत की राजधानी है ल्हासा और हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला को भी कहा जाता है मिनी ल्हासा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, 19वीं शताब्दी के पहले दशक में हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण करने वाली गोरखा सेना का कमांडर कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अमर सिंह थापा। 19वीं शताब्दी के पहले दशक में, ठीक है, हिमाचल पर जो आक्रमण करने वाली गोरखा सेना थी उसका जो कमांडर था वो था अमर सिंह थापा। तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80, 1809 ईस्वी में ज्वालामुखी संधि किन किन के बीच हुई थी? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और आपने इसका सही आंसर भी चूज कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, संसार चंद और राजा रणजीत सिंह। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। और बात करें अगर राजा संसार चंद की, तो वो कांगड़ा के महाराजा थे, राजा थे, और राजा रणजीत सिंह सिख राजा थे। इन दोनों के बीच में संधि इसीलिए हुई थी क्योंकि उस समय गोरखाओं ने कांगड़ा किला की घेराबंदी करके रखी थी, मतलब कि उसको कैप्चर करके रखा था। तो गोरखाओं को वहाँ से खदेड़ने के लिए संसार चंद ने राजा रणजीत सिंह के साथ संधि की थी। और यहाँ से क्वेश्चन और बन जाता है राजा संसार चंद से, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा भी जाता है बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में, कि कांगड़ा के वो कौन से राजा थे जिनका कि प्रेम संबंध रहा है एक गद्दन के साथ। ठीक है, वो थे राजा संसार चंद और उस गद्दन का नाम था नोखू। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन नंबर 81, हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? विच इज द ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शनन जल विद्युत परियोजना, जो कि जोगिंदर नगर में स्थित है। और इस परियोजना के ऊपर अभी भी स्वामित्व जो कंट्रोल है वो है पंजाब सरकार का। क्वेश्चन नंबर 82, झांझर किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? झांझर इज फेमस डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंबा। झांझर चंबा जिले का एक फेमस प्रसिद्ध नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 83, हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 सदस्य। और इस बार हो सकता है क्वेश्चन इस हिसाब से पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश से लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो आपको ये प्रिपेयर करना है। ठीक है, देखिए राज्यसभा के लिए 3 सदस्य चुने जाते हैं, लोकसभा के लिए 4 सदस्य और विधानसभा के लिए 68 सदस्य रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 84th, भारत सरकार की योजना के अंतर्गत हाल ही में चुना गया हिमाचल प्रदेश का कौन सा शहर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो यहाँ पर आपको एक और बात के ऊपर गौर देना है कि उस समय 2016 का जो एग्ज़ाम था उसमें ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, मतलब कि आपको हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर पढ़ना है
ताकि आप एक भी नंबर मिस ना कर पाओ। तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन लिया गया था उस समय का, तो इसका जो राइट आंसर था वो है ऑप्शन नंबर बी, धर्मशाला। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। 18 फरवरी 1948 को हुए सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? हु लीड द सुकेत सत्याग्रह ऑन 18 फरवरी 1948? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पंडित पदमदेव। क्वेश्चन नंबर 86। निम्न कौन सी नदियों का समूह बंगाल की खाड़ी में गिरता है? विच ग्रुप ऑफ रिवर्स फ्लो इनटू द वे ऑफ बंगाल? तो आपको, जिन लोगों को ये था दिमाग में कि हमको सिर्फ हिमाचल का ही जीके पढ़ना है, तो मैं उनको बता दूं कि आपको हिमाचल जीके के साथ साथ इंडियन जीके भी पढ़ना होगा, ठीक है? तो यहाँ पर ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि कौन सी नदियों का जो समूह है वो बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र, गंगा और गोदावरी। तीनों नदियाँ जो गिरती हैं वो कहाँ पर गिरती है? वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित वायुमंडल की परतों को पृथ्वी की सतह के ऊर्ध्वाधर अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एटमोस्फियर वर्टिकली फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 2 3 1 4, मतलब कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ब्राह्मी मंडल, ठीक है? तो ये इसका राइट आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। मानव पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, मतलब कि जो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम है वो कहाँ से शुरू होता है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मुख गुहिका में, ठीक है? तो आपको याद रखना, क्योंकि यहीं से ही एक लार होती है जिससे कि मतलब कि खाना हमारा डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, मतलब कि जो प्रक्रिया है डाइजेशन की यहीं से प्रारंभ होती है। तो आपको जीके के साथ साथ साइंस भी पढ़ना है, यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। स्तनधारियों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि स्तनधारियों से रिलेटेड है, तो आपने देखना है कि वो कौन से यहाँ पर कथन है जो कि सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, उनका हृदय 3 कक्षीय होता है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। निम्न में से कौन सी धातु मोबाइल फोन की बैटरी में मुख्यतः इस्तेमाल होती है? देखिए, आप सभी लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं और आप सबको पता होगा, जब आप मोबाइल फ़ोन की बैटरीज या जब कवर निकालते थे बैक साइड का, तो वहाँ पर लिखा होता बैटरी में कि लिथियम, ठीक है, लिखा रहता है। तो जो बैटरी है वो आपका ऑप्शन जो है रहता है ऑप्शन नंबर डी, लिथियम, मतलब कि जो मोबाइल की जो फ़ोन की जो बैटरी है वो लिथियम धातु की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 91। निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? जी हाँ, अब आपको एक नंबर और गेन करना है तो आपको कंप्यूटर भी पढ़ना होगा, क्योंकि एक एक नंबर से आप आगे निकलोगे। तो कंप्यूटर से यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, बेसिक, सी प्लस प्लस और जावा 3 प्रमुख कंप्यूटर की लैंग्वेज है, लेकिन पेंट ब्रश ये कौन सी लैंग्वेज है भाई? ये कोई लैंग्वेज नहीं है, पेंट ब्रश कुछ भी नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 92। निम्न में से कौन सा बंदरगाह शहर सिंधु घाटी सभ्यता में था? निम्न में से कौन सा बंदरगाह शहर सिंधु घाटी सभ्यता में था? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लोथल। आपको इंडियन हिस्ट्री भी पढ़नी है, इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़नी है, साथ में आपको जनरल साइंस पढ़ना है, आपको कंप्यूटर पढ़ना है, तो आपको ये चीज़ें पढ़नी होगी, क्योंकि एक दो दो नंबर ही यहाँ से आएंगे, लेकिन आपको ये पढ़ने होंगे, ठीक है? कंपिटिशन बहुत हाई है। क्वेश्चन नंबर 93। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, हर बार पूछा जाता है और ये पूछना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये इसकी इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन की। तो वो कौन सा अधिवेशन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अधिवेशन ऑप्शन नंबर बी, लाहौर का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन लाहौर में हुआ था, उसी में ही पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 94। खेल प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार निम्न में से कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स कोचिंग? देखिए, जब भी आपके लिए कोचिंग के लिए कोई अवार्ड बोला जाए कि ये कौन सा अवार्ड है जो कि कोचिंग के लिए दिया जाता है, मतलब कि गुरु के लिए दिया जाता है, तो वो कौन सा है? वो द्रोणाचार्य पुरस्कार,
ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है एक्सीलेंस ऑफ स्पोर्ट्स कोचिंग। क्वेश्चन नंबर 95, यहाँ पर स्पोर्ट्स से देखिए दो क्वेश्चन हो गए, पहला आपका पुरस्कार से हो गया, आपको पुरस्कार पढ़ने होंगे, दूसरा यहाँ पर हो गया आपका जो उसमें जो प्रेजेंट में चल रहा था करंट अफेयर। 29 मई 2016 को आईपीएल मतलब कि इंडियन प्रीमियर लीग 9 जो प्रतियोगिता थी वो किस टीम ने जीती थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सनराइजर्स हैदराबाद। लेकिन आपको 2019 का याद रखना है, मतलब कि मुंबई इंडियंस, आपको ये याद रखना है। इस बार हो सकता है कि आपसे ये पूछा जाए कि इस बार की जो आईपीएल की जो प्रतियोगिता थी वो किसने जीती है। ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा मुंबई इंडियंस। क्वेश्चन नंबर 96, नारी भ्रूण हत्या को मद्देनजर रखते हुए 2015 में सरकार द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रम निम्न में से कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहुत ज़्यादा ये यूज़ होने वाला स्लोगन है और आपको ये याद रखना है। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इस साल जो नई स्कीम चल रही है आप वो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी सरकार की जो नई नई स्कीम चल रही है आपको वो पढ़ना है, ताकि उनमें से कोई भी क्वेश्चन आए आप उसका विदाउट एनी हेजिटेट आंसर दिए। तो क्वेश्चन नंबर 97, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? हु एड्रेसेस द ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। तो आपको इंडियन पॉलिटी से भी बहुत कुछ पढ़ना है। देखिए हमने प्लेलिस्ट बना के रखी है, वहाँ पर हम डेली कुछ ना कुछ वीडियोस ऐड कर रहे हैं, जहाँ पर आपको हिमाचल जी के, हिमाचल जियोग्राफी, जनरल हिंदी, करंट अफेयर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन जो हिस्ट्री रहती है, सब कुछ हम वहाँ पर ऐड कर रहे हैं। मतलब कि एग्जाम तक आपका सब कुछ वहाँ पर वो फुल हो जाएगी प्लेलिस्ट, जिसमें अभी आजकल 4-5 वीडियोज़ है या 10-12 वीडियोज़ हैं, जब एग्जाम के लिए 15-20 दिन रहते हैं, तो मतलब कि वो पूरा पूरा वो सेक्शन फुल होने वाला है। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। क्वेश्चन नंबर 98, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून का कारण बनने वाली आवर्ती हवाएं समुद्र से धरातल की तरफ बहती है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून का कारण बनने वाली आवर्ती हवाएं समुद्र से धरातल की तरफ बहती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 99, मैत्री एक्सप्रेस रेलवे सेवा किस से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, तो उसका जो राइट आंसर है वो है भारत और बांग्लादेश। देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रेलवे सेवा चलती है उसे कहते हैं मैत्री एक्सप्रेस। और भारत का जो सबसे बड़ा जो बॉर्डर जो लाइन बनती है, बॉर्डर लाइन जो बनता है वो बनता है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, ये आपको इस बात का भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 100, जल का घनत्व केरोसिन तेल के घनत्व से ज़्यादा है, यदि दोनों को मिला दें तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, आप अभी इसको क्या करिएगा कि आप पानी लीजिएगा, ठीक है, और पानी के ऊपर डाल दीजिएगा केरोसिन तेल, मिट्टी का तेल डाल दीजिएगा, तो देखिए कि कौन सा क्या रिजल्ट आता है। तो इसमें क्या होगा कि जो आपका केरोसिन तेल है, ठीक है, वो पानी के ऊपर तैरने लगेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरोसिन जल के ऊपर तैरेगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आने वाली है कुछ ही टाइम में, जो कि रहेगी जनरल हिंदी से, कि हिंदी में क्या क्या पूछा गया था आपसे पटवारी परीक्षा 2019 में, सॉरी 16 में। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की अपडेट्स मिलती रहे।